नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज हम खड़े हैं कैंट गुरु द्वारे पर। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सिख समाज द्वारा मनाई जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर रात में ही यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई थी। पूरे गुरुद्वारा को सजाया गया था, संगीन रोशनियों से पूरे गुरुद्वारा को रोशन किया गया था। और आज सवेरे यहाँ पर प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद यहाँ पर अखंड पाठ एवं कीर्तन का हुआ। और आपको बता दें कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम बताएंगे आपको पूरा विवरण किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम हुए। आज सुबह गुरुद्वारे पर यहाँ पर कार्यक्रम हुए। हमारे साथ हैं प्रीतम सिंह कुशवाहा जी, और उनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पर आज गुरुद्वारे पर क्या क्या कार्यक्रम हुए थे। सुबह सबसे पहले 6 बजे प्रभात फेरी भजन कीर्तन मंडली के साथ निकाली गई, जिसमें महिला बच्चे पुरुष सभी शामिल थे। इसके बाद 10 बजे भजन कीर्तन हुआ, और इसके बाद लंगर प्रसादी का प्रसाद वितरण किया गया। सूरज के प्रकाश हो गए बल्बों की जरूरत नहीं होंगी। आपको बता दें कि यहाँ पर सवेरे लंगर का प्रोग्राम होगा, इसलिए यहाँ पर सुबह सुबह सेवादारों द्वारा पूरे कमरे को धुलाई की गई, सफाई की गई। ये सारी सफाई सेवादारों द्वारा की जा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जहाँ लंगर होना है उस पूरे कमरे को धोया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, और इसमें सारे सफाई लगी हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं लंगर बना रहे हैं, जो खाना देना है। यहाँ पर भी सेवादार सेवा कर अपना धर्म लाभ उठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं और युवा लोग भी हैं, और सभी लोग भोजनशाला में अपने द्वारा भोजन बनाकर एक सेवा का भाव अपना रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो लंगर होगा इसमें सभी को यहाँ पर भोजन प्रसादी मिलेगी, चखने को मिलेगी। और ये युवा लोग बड़े तन्मय के साथ भोजन तैयार करते हुए सभी सिख समाज के भाइयों और अन्य लोगों ने गुरुद्वारे पहुंचकर अरदास की, यहाँ पर भजन कीर्तन में भाग लिया। इसके बाद यहाँ पर लंगर चखा गया, यहाँ पर सबको लंगर के रूप में प्रसादी ग्रहण की। यहाँ पर सभी ने एक साथ बैठकर लंगर का आनंद लिया। यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि बच्चे हैं, छोटे युवा भी हैं, और बुजुर्ग भी आए हुए, महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं आई हुई हैं, और लंगर का स्वाद चख रही हैं। और बाबा का प्रसाद यहाँ पर नानक देव जी का प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, गुना ही नहीं, गुना से बाहर के लोग भी आज गुरुद्वारे कैंट पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने गुरु नानक देव जयंती पर उत्साहपूर्वक पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। और साथ ही
कार्यक्रम का आनंद लिया और आज जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ कैंट गुरुद्वारे पर मनाया गया।